नमस्कार दोस्तों, दिल वाली रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चे और बड़े सबका फेवरेट पनीर लॉलीपॉप्स, जो कि बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट से तुरंत बन जाता है। उसके लिए मैंने पनीर के थोड़े से मोटे स्टिक्स काट लिए हैं। इसके बीच में मैं स्टिक को इंसर्ट करूँगी और ले लिए मैंने कुछ स्टिक्स जो कि मैंने तोड़ लिए हैं बीच में से। जो स्पून्स आते हैं ना हमारे पास, उसको मैंने बीच में से तोड़ लिया है और मैंने उसको स्टिक्स के रूप दे दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने ले लिया है लगभग 2 टेबलस्पून मैदा, इसके हम स्लरी बनाएंगे। और मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लरी को घोल लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ डाल देंगे तो लम्स रह जाएंगे। तो तैयार है हमारी स्लरी। ये इतनी, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये इतनी थिक रहेगी। अब हम इसमें डालते थे थोड़ी सी सीजनिंग। सीजनिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। आप क्वांटिटी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम अपनी स्टिक्स तैयार कर लेंगे। ले लेते हैं एक स्टिक, इसको बहुत ही केयरफुली साइड से इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइट वाला पनीर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी आसानी से इंसर्ट होगी उतनी इंसर्ट कर देंगे और इसको एक एक को सेट करके रख लेंगे। को बहुत केयरफुली लपेटेंगे जिससे जिससे ये खुले नहीं। फिर से स्लरी लगा देंगे जिससे वो स्टिक उसको छोड़ ना दे, क्योंकि पनीर में इतनी बाइंडिंग नहीं होती है। एक बार फिर से हम लोग इसमें लपेट देंगे। ज़्यादा सा ब्रेड क्रम्स लगाएंगे जिससे आपके हाथ वेट भी ना हो और काम हो जाए। इसको हम लोग ऐसे ऐसे हाथ से प्रेस कर देंगे। इसको डाल देंगे ऑयल में, स्टिक भी डाल देंगे। फ्लिप करके फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आप देख रहे हैं हमने क्रम्स दबा दिए थे, अच्छे से दबा दबा के लगाए थे। तो देखिए ऑयल में बिल्कुल भी नहीं छूटे हैं। देखो
थोड़ा खाना ज़्यादा नहीं है हमारे पनीर लॉलीपॉप्स तो डिप बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया है तड़का पैन उसमें मैं डाल दूंगी लगभग 1 टीस्पून ऑयल रिफाइंड ऑयल ऑयल गर्म हो गया है अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर जिंजर सौटे होते ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हम इसे स्पाइसी बना रहे हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी मैंने ले लिया है 1 टीस्पून अरारोट या कॉर्नफ्लावर आप ले सकते हैं और उसको घोल के हम इसमें डाल देंगे इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा पानी 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और थोड़ा सा नमक अ पिंच बहुत ज़्यादा नहीं जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उतना ही डालेंगे अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं थोड़ा सा नमक मैंने और मिलाया है अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे तैयार है हमारी स्पाइसी डिप तो तैयार है हमारे पनीर लॉलीपॉप्स विद स्पाइसी डिप ऊपर से क्रीम से सजा के सर्व करें तो जब भी कभी बच्चे जिद करें कुछ स्पेशल खाने की और आपके पास हो पनीर तो झटपट बनाएं पनीर लॉलीपॉप्स एंजॉय।